वेलकम स्टूडेंट्स, जस्ट हैव कंप्लीटेड द चैप्टर जहाँ पे हमने देखा. सो व्हाट इज़ द लर्निंग ऑफ दिस चैप्टर, राइट? जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, दिस इज़ द लर्निंग. वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स. एक आदमी वैसा ही जाना जाता है या बनता है जैसी कि वो संगति रखता है. कंपनी मीन्स फ्रेंडशिप. आपको ही बोला जाता है ना, जैसे मैंने चैप्टर के स्टार्ट में ही बताया था, इसके साथ रहो, उसके साथ रहो, इसके साथ मत रहो, उसके साथ मत रहो. आपके पेरेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है? क्यों बोला जाता है? क्योंकि आप जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसा बनोगे. और इसमें गलत भी नहीं है, आदमी कुछ ना कुछ असर पड़ जाता है, क्योंकि हर एक आदमी अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाता है अपनी जैसा है वो. कभी कभी उस पर असर पड़ जाता है दूसरों की कंपनी का, फ्रेंडशिप का. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, दे कीप द थिंग्स डिफरेंट. वो सबके साथ चीज़ें अलग अलग रखते हैं, उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या करना है. बट नॉट ऑलवेज, मेजोरिटी ऑफ द लोग होते हैं उन पर संगति का असर पड़ता है और चीज़ें ख़राब हो जाती हैं. ओके, सो ये आपकी लर्निंग है इस चैप्टर की, ठीक है? लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस. आप इसको खुद से करने की कोशिश करना. हाउ डिड द टू बर्ड बेबी बर्ड्स गॉट सेपरेटेड. ये किस तरीके से जो बेबी बर्ड्स थे वो सेपरेट हो गए थे, तो कैसे हुआ था? देर वॉज अ स्टॉर्म, तूफान आया था, बिग स्टॉर्म वॉज देयर. आपने पढ़ा होगा पहले पैराग्राफ में, राइट? देर वॉज अ बिग स्टॉर्म एंड द नेस्ट वॉज हिट बाई द ब्रांच एंड द बेबी बर्ड्स गॉट सेपरेटेड. वो अलग अलग साइड पर जाके गिरे. वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड अ होम. दोनों को, ईच ऑफ देम, दोनों में से एक एक को फाइंड, कहाँ उनको अपना घर मिला, मतलब वो कहाँ पे गिरे था ना. तो वन लैंडेड नियर अ केव वेयर रॉबर्स लिव्ड एंड द अदर लैंडेड नियर अ आश्रम वेयर अ ऋषि लिव्ड. ठीक है, पढ़ा था हमने यहाँ पर, राइट? वन ऑफ ये सेकेंड के लिए, वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड, द अदर लैंडेड आउटसाइड ऋषि आश्रम. व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर. पहले वाले जो बर्ड थी उसने स्ट्रेंजर से क्या कहा? स्ट्रेंजर मतलब उसके लिए स्ट्रेंजर क्या था? किंग था. उसने क्या बोला था? यही बोला ना, वो एक्चुअली में डायरेक्टली किंग से नहीं बोला था. किससे बोल रहा था वो? रॉबर्ट से, कि जल्दी बाहर आओ, कम आउट, देयर इज अ पर्सन सिटिंग डाउन द व्हाट ट्री, लेट्स कम एंड रॉब दैट गाय. उसको लूट लेते हैं. व्हाट डिड द सेकेंड बर्ड से टू हिम. दूसरी चिड़िया ने क्या बोला उसे? दूसरी चिड़िया क्या थी? अच्छी थी, ऋषि के साथ रहती थी. तो उसने क्या बोला उसे? कि वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज़ फील कंफर्टेबल, रेस्ट, देन ऋषि विल बी बैक सून. तो उसने उनका अच्छा से वेलकम किया था. हाउ डिड ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच बर्ड्स बिहेव्ड. ऋषि ने किस तरीके से एक्सप्लेन किया कि उन दोनों चिड़ियों का बिहेवियर अलग अलग था. हाउ डिड ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द बर्ड्स बिहेव्ड. किस तरीके से ऋषि ने एक्सप्लेन किया था कि उन दोनों बर्ड्स का बिहेवियर क्या था? अलग अलग था. क्या उन्होंने बोला था जो मैं बार बार रिपीट किया था? वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स. मतलब ऋषि ने बताया कि उनका बिहेवियर अलग इसलिए था क्योंकि वो अलग अलग लोगों के साथ रहते थे. ऋषि टोल्ड द किंग दैट दीज टू बर्ड्स लिव्ड विथ टू डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल. वन लिव्ड विद द रॉबर्ट्स, सो ही ऑलवेज हर्ड बैड थिंग्स एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल. The other one lived with him, means Rishi. So he was what? Good person. तो वो अच्छी चीज़ें सुनता था. So he welcomes people, right? तो ये आपको लिखना है यहाँ पर जो हमने पढ़ा है. Which one of the following sums up the story best? अब इनमें से कौन सा जो है जो पूरी स्टोरी को एक बार में अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा है. Sums up means explain करना. A bird in hand is worth two in the bush. अ बर्ड इन द हैंड, हाथ में एक चिड़िया जो होती है वर्थ टू, वो दो के बराबर है जंगल में. नहीं, बिल्कुल नहीं. वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स. एक आदमी की पहचान वही होती है वो जो जिस तरह की फ्रेंडशिप वो रखता है. यही हमने पढ़ा है, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड. अ फ्रेंड इन नीड, जो ज़रूरत के समय जो फ्रेंड काम आता है, इज़ अ फ्रेंड इन डीड. इन डीड मीन्स वास्तव में, इन डीड मीन्स वास्तव. वही तो हम बोलते भी ना कि जो मुसीबत के समय काम आए वही फ्रेंड होता है. इन तीनों में से कौन सा है? ये वाला है. वन इज़ नोन बाई द कंपनी वन कीप्स. हमने यहाँ पे ये सीखा ना कि एक आदमी की पहचान वही होती है जिस तरह की संगति में हम रहते हैं.
सो ट्राई टू राइट द आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस ऑन योर ओन फर्स्ट. यू कैन टेक हेल्प ऑफ द लिटरेचर. ट्राई टू बाय द बुक्स. आई विल ट्राई टू शेयर द व्हाट क्लिक ऑफ दिस वन. सो थैंक यू एंड कीप ऑन द लर्निंग. व्हाट कैन आई से. Bye-bye. Thank you.